नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाता हुआ उद्घाटन किया। मैं समझता हूं अच्छा सौभाग्य है कि मुझे आप सबको भी मिलने का उनके जन्म महोत्सव के दिन ये मौका मिल रहा है और कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करने के लिए मिल रही हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिनके बारे में मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। एक 22 पैर ट्रेन्स की जो आज के दिन कुछ डिस्टेंस तक जाती है लेकिन उसमें लाई ओवर टाइम या ले ओवर टाइम जो एडिशनल रहता है जितना समय वो खड़ी रहती है उस समय को उपयोग करते हुए हम उसको और अधिक डिस्टेंस तक चला सकें ऐसा प्रयोग बड़ी सफलता से हमने पीछे किया था। आपको याद होगा गतिमान जो जाती थी दिल्ली से आगरा उसको पहले चरण में आगरा से बढ़ा के ग्वालियर तक लेके गए और दूसरे चरण में ग्वालियर से भी आगे बढ़ा के झांसी तक लेके गए और वो बड़ा सफल प्रयोग था। बिना नया निवेश विदाउट एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हम एक अंग्रेजी में फ्रेज है स्वेटिंग योर एसेट्स कि जो हमारा निवेश किया हुआ है जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस दिशा में वो पहला प्रयोग था। उसके बाद कई ट्रेनों को हमने एक्सटेंड किया है। मुझे आप सबसे शेयर करते हुए खुशी होती है कि आज ऐसी 22 नई ट्रेन सर्विसेज का एक्सटेंशन मंजूरी दी गई है और ये ट्रेन एक्सटेंशंस देश में अलग अलग इलाकों पे लोगों को अधिक सुविधा देगी। लगभग पूरे देश में हर जोन से कोई ना कोई ट्रेन का एक्सटेंशन हो रहा है। उदाहरण लें तो जो राउरकेला से कोरापुट एक्सप्रेस जाती है उसको अब बढ़ा के जगदलपुर तक लेके जा रहे हैं तो जयपुर कोटापुर रोड और एक्सटेंशन से कई एडिशनल इलाका भी कवर हो जाएगा। ऐसे ही देखते देखते कई सारी ट्रेनें जैसे फिरोजपुर से लुधियाना कैंट एक सतलज एक्सप्रेस जाती है हम उसको बढ़ा के चंडीगढ़ तक लेके जा रहे हैं तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। अलग अलग ट्रेनों की श्रृंखला में देखें तो एक पूरी बारबिल एक्सप्रेस बढ़ा के राउरकेला तक लेके जाएंगे जिससे केंडपोसी चाईबासा चक्रधरपुर मनोहरपुर उड़ीसा के कई इलाकों में और जनता को सुविधा दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारी अन्य अन्य क्षेत्रों में ट्रेनों को एडिशनल डिस्टेंस चलाने का निर्णय लिया गया है। उधमपुर से जम्मू तवी जो डेमू ट्रेन जाती थी उसको अब पठानकोट तक लेके जाएंगे और स्वाभाविक है पठानकोट तक लेके जाने से उसका जो सर्विस है जितने स्टेशन रास्ते में उन सबको सर्विस मिलेगी और ये आगे चल के एक बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन ऑफ आवर एसेट्स में वृद्धि लाने में हमारे जो ट्रेन्स हैं रोलिंग स्टॉक है ट्रैक्स है उसकी उपयोगिता को और ज्यादा बढ़ाएगा जनता को और सेवा देगा और स्वाभाविक रूप से एक पूरे क्षेत्र में विकास के लिए भी प्रोत्साहित करेगा उन क्षेत्रों को। वैसे ही एक दूसरा निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमने अभी अभी लिया है मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आप सब जानते हैं भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है सबसे अधिक लोग भारतीय रेलवे में काम करते हैं। आज 12 लाख से अधिक लोग भारतीय रेलवे में सेवानिवृत्त हैं सेवा कर रहे हैं और एक समय समय पे लोगों को रेलवे में लेके रेलवे ने एक बहुत बड़ा साधन दिया है देश में नौकरियां उपलब्ध करने का
साधारणतः हर वर्ष 40-50 हजार लोग रिटायर होते हैं, नए लोगों को नौकरियों का अवसर मिलता है। और पिछले वर्ष हमने शुरू किया था 1.5 लाख के करीब लोगों को नई नौकरी देने का काम। उसके बावजूद आज भी लगभग 1.25 लाख लोगों की रिक्वायरमेंट रेलवे में है। और इसके अलावा अगले 2 वर्ष का जब आकलन लेते हैं तो लगभग 1 लाख लोग अगले 2 वर्ष में रिटायर होने का अनुमानित आंकड़ा है। तो यानी अंदाजन 2.5 लाख, 2.25 से 2.5 लाख लोगों को और अधिक मौका मिले। और 1.5 लाख की भर्ती का काम ऑलरेडी चल रहा है, तो एक प्रकार से 4 लाख नई नौकरियां रेलवे अकेले देने जा रहा है, जिसमें 1.5 लाख की तो प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, लगभग 2-2.5 महीने में पूरा प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, लोग नौकरी पे आना शुरू हो जाएंगे। और ये आज निर्णय लिया है कि बाकी भी जो वैकेंसीज हैं, लगभग जो वैकेंसीज हैं और जो अगले 2 वर्ष में रिटायरमेंट होंगे, उसके लिए एडवांस में प्लानिंग करके ये सिलसिला भी शुरू किया जाए। और ये जो हमारे एससी एसटी ओबीसी दिव्यांग, उन सबकी जो रिजर्वेशन होती है उसमें बिना कोई बदलाव किए जितना आरक्षण आज मिलता है, वो सब आरक्षण को सुनिश्चित रखते हुए, बरकरार रखते हुए, बिना उसमें किसी प्रकार का बदलाव किए ये पहली नियुक्तियां होंगी, ये पहला रिक्रूटमेंट होगा सरकार का, जिसमें जो नया कानून पारित किया गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% का आरक्षण रखा गया है, उसका लाभ अब रेलवे पहली संस्था होगी केंद्र सरकार की जो उसका लाभ आने वाले दिनों में ये नौकरियां भर के बिना आज का जो आरक्षण है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी सभी के आरक्षण को सुनिश्चित रखते हुए, बरकरार रखते हुए, ये नया कानूनी प्रावधान जो अभी अभी संसद में पारित हुआ है, इसके तहत 10% अधिक आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए किया जाएगा। लगभग 23,000 आरक्षित नियुक्तियां इसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिलेंगी। पूरी तरीके से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए जो आरक्षित हैं उसको सुनिश्चित करते हुए, उसको बरकरार रखते हुए, मैं समझता हूं ये 4 लाख लोग बड़े कंपेटिटिव प्रोसेस से, बहुत ही पारदर्शी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर एडिड टेस्ट है, टेस्ट को वीडियोग्राफी करी जा रही है, स्मूथली पूरे देश में ये कंडक्ट हो रहा है, इसके रिजल्ट्स पारदर्शी तरीके से पब्लिक डोमेन में आएंगे, जो भी फिजिकल चेकिंग होगी वो भी वीडियोग्राफी होगी, और मैं समझता हूं उस वीडियोग्राफी को हम पब्लिक डोमेन में डाल दें, सो दैट पीपल कैन सी दैट एकदम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से सब काम चल रहा है। और नया नौजवान युवा युवतियों का जोश, अब आप इसको जोश को कहीं फिर से एक बार उरी से जोड़े तो उसमें मेरी गलती नहीं है, पर ये नौजवान युवा युवतियों का जोश भारतीय रेल की सेवा में आए और भारतीय रेल को भी उसी जोश के साथ कैसे और अच्छा बनाया जाए, कैसे यात्रा हमारे यात्रियों की और सुगम बनाई जाए, कैसे भारतीय रेल का विस्तार तेज गति से हो, और जो हमारा लक्ष्य है कि विश्व की सबसे अच्छी रेल व्यवस्था भारतीय रेल की होनी चाहिए और भारतीय रेल इस देश में प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बने,
चाहे वो माल ढोने के लिए हो, चाहे यात्रियों की यात्रा करने के लिए हो, ये लक्ष्य लेके जो हम निकले हैं, इस लक्ष्य को ये आने वाले 4 लाख नई नौकरी करने वाले हमारे युवा युवती रेलवे में जो पूरे जोश और उत्साह के साथ काम करने के लिए आएंगे, इन सब के लिए हम सब स्वागत भी करते हैं और इस प्रोसेस को हम तुरंत जल्द से जल्द शुरू करके मुझे लगता है एक बड़ा नौकरी का संदेश देश में जाएगा। इसी के साथ साथ मुझे जानकारी अभी मिली कि नौकरी.com एक बहुत प्रमुख वेबसाइट है जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सर्वेस करता है लगातार। नौकरी.com के का हर 6 महीने में एक सर्वे आता है जिसको वो नौकरी हायरिंग आउटलुक के नाम से प्रचलित करते हैं। आज ही उनका 2019 के पहले 6 महीने का सर्वे आया है और मैं समझता हूं ये सर्वे बड़े विस्तार से देश भर में जो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, जो कंपनियां लोगों को लेती हैं, जो कंसल्टेंट्स रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में लगते हैं, इन सब से जानकारियां लेके ये सर्वे हायरिंग ट्रेंड्स बताते हैं देश में कैसे चल रहे हैं। और लगभग 15 अलग अलग इंडस्ट्री अलग 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 क्षेत्रों को ये कवर करता है। आज का जो सर्वे आया है वो बताता है कि 84% ऑफ द रिक्रूटर्स जो नौकरियां देते हैं वो बता रहे हैं कि जनवरी से जून 2019 में भारी मात्रा में नई नौकरियां का उत्पादन होने वाला है। ये लगभग पिछले 6 महीने से 20% अधिक है। जो पहले पिछले 6 महीने में कहा गया था उससे बढ़कर 20% अधिक नौकरियों क्रिएट होने वाली है, ऐसा फीडबैक इस नौकरी.com के नेशनल हायरिंग आउटलुक 2019 में बताया जा रहा है। एक प्रकार से कई बार कुछ लोग ये आलोचना करते हैं कि नई नौकरियां नहीं है, नई नौकरियां मिलती नहीं है, ये एक सीधा जवाब है। रेलवे तो साधारणतः समय समय पे लोगों को नौकरी के अवसर देता ही है और जैसा मैंने आज बताया लगभग 4 लाख नई नौकरियां तो अकेले रेलवे देगा, लेकिन ये दर्शाता है कि 84% लोग इस सर्वे में जो 15 इंडस्ट्रीज कवर हुई बता रहे हैं कि नौकरियां बड़े पैमाने पे आगे 6 महीने में आने वाली है। इसमें लगभग 56% ये भी बताते हैं कि नई नौकरियां नई जॉब्स, एक तो कई जगह रिटायरमेंट वगैरह भी होता है तो रिप्लेसमेंट भी होती है, लेकिन नई जॉब्स भी बड़े पैमाने पे आएंगी, ऐसा 56% लोग कह रहे हैं। और जब पूछा जाता है कि किसी को आप नौकरी से निकालने वाले हो क्या, जिसको ले ऑफ बोलते हैं, तो इस सर्वे में आया मात्र 1% ने कहा कि संभावना था किसी को निकालना पड़ सकता, ओनली 1%। मैं समझता हूं भारत के इतिहास में आपको ऐसा कोई समय नहीं मिलेगा, या नौकरी.com का भी अगर पुराना सर्वेस देखें तो इतना लो एट्रिशन के लोग छोड़ के जाते हैं या लोग को नहीं रखा जाता है, इट्स ओनली 1%। 84% से दे गोइंग टू डू फ्रेश हायर, तो ये अपने आप में एक बहुत ही उत्साह देने वाला आंकड़ा आज निकला है। ये इंडेक्स जॉब स्पीक इंडेक्स भी थोड़े दिनों पहले निकला था जो जुलाई 2008 से आ रहा है, जो बताता है कि नई नई नौकरियों के क्या लिस्टिंग्स नौकरी.com के साइट पे आ रही हैं। और 2008 से ट्रैक करते करते ये डेटा बताता है कि दिसंबर 2018 में लगभग 8% ज्यादा लिस्टिंग्स थी, यानी 8% ज्यादा नौकरियों के लिए कंपनियों ने इनको अप्रोच किया और अपने रिक्वायरमेंट को वेबसाइट पे डाला। और पूरे 2018 का देखें 12 महीने का तो लगभग 10% बढ़ाव ग्रोथ नौकरियों में नौकरी.com ने दिखा है। और 2014 से अभी तक का जो 5 साल का भी आंकड़ा निकाला उन्होंने, 4.5 साल का, उसमें भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 10% से अधिक है, यानी 2014 से ही लगातार
नई नौकरियों के डिमांड और ग्रोथ नौकरी.com ने महसूस किया और उनके सर्वे रिपोर्ट से दर्शाता है। तो ये जो झूठा प्रचार करने की कुछ लोगों की कोशिश चल रही है, एक प्रकार से ये पूरी तरीके से उसको नकारता है और बताता है कि नौकरियों की स्थिति कंटिन्यूअसली सुधर रही है, बढ़ रही है। तो ये दो तीन चीजें मैं आप सबके समक्ष शेयर करना चाह रहा था। अंत में मैं, वैसे मैंने पिछली बार मेरे प्रेस में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की थी, लेकिन तब रेलवे के मेरे साथी नहीं थे, तो फिर एक बार मैं हिज होलीनेस डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी, जो 111 वर्ष की उम्र में परमात्मा के पास गए हैं, सिद्ध गंगा मठ के मठाधीश थे, बहुत ही सिद्ध आत्मा थी, बहुत ही विचारों में, आचार में, सामाजिक जीवन उनका, धार्मिक जीवन उनका बहुत ही सिद्ध रहा, बहुत ही मान्यता थी, बहुत ही सम्मान था पूरे समाज को हिज होलीनेस का। इनके निधन पर मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूं, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और हम सब की ओर से ये श्रद्धा सुमन हम उनको जरूर उनके मठ को पहुंचाएंगे। उसके लिए रेलवेज ने भी उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनकी दिवंगत आत्मा के पार्थिव शरीर के लिए, के दर्शन के लिए हमने ख्यातसंद्रा स्टेशन, जो उनके मठ के नजदीक है, ख्यातसंद्रा स्टेशन, वहां तक 5 पेयर स्पेशल ट्रेन चलाई हैं बेंगलोर के यशवंतपुर और तुमकुरु से 22 तारीख को, और ऐसे ही अलग अलग ट्रेन को वहां पे रुका के लोगों को सुविधा दी कि वहां पे लोग जा पाए और उनके दर्शन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस रिलीजेस आप देखें। थैंक यू सर। ये भी प्रेस रिलीज। एनी क्वेश्चंस? ऐसा है कि 1,51,000 तो बहुत एडवांस स्टेज पे है, जैसा मैंने कहा 2-3 महीने में ये सब नौकरियां के लेटर्स इश्यू हो जाएंगे। अगले चरण में हमें जो ऑलरेडी वैकेंसीज है 1,31,000 के करीब, उसका प्रोसेस फाइल पे शुरू हो गया है और उसको भी हम फास्ट ट्रैक करेंगे। और ये जो 1,00,000 लोग रिटायर होंगे अगले 2 वर्षों में, उनका प्रोसेस उसके थोड़े समय बाद इस तरीके से टाइमिंग करेंगे कि जैसे जैसे पद खाली होता है तो साथ साथ में नौकरी मिलती रहे, जिससे कि रेलवे के काम में सुविधा रहे, रेलवे के काम में किसी को ओवर टाइम करके एफिशिएंसी कम करनी ना पड़े, एफिशिएंट रेलवे वर्क करे, ओवर टाइम के बदले पर्याप्त मात्रा में लोग रहे रेलवे में, और जो तेज गति से विकास हो रहा है, नई लाइनें लग रही हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम नए डेवलप किए जा रहे हैं, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई एनेबल कर रहे हैं स्टेशन को, जो इतनी सुविधाओं का जाल रेलवे में बिछ रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है रेलवे का, इसके लिए कभी आदमियों की कमी ना महसूस हो, इसके लिए रेलवे इसको प्रोएक्टिवली तुरंत शुरू करे। सर, सॉल्व करने की बात कह रहे हैं सर, उसमें अगर एक चीज बस समझना चाह रहे हैं, क्या महीने भर में माने कि ये वैकेंसी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, उसमें अप्लाई कर पाएंगे 1,32,000 या 31,000? ये प्रोसेस अभी बहुत फास्ट ट्रैक करेंगे, इसके लिए थोड़ा टेंडर वगैरह खोल के जो एजेंसी है उसको भी हायर करना पड़ेगा, उसको अभी हम स्टडी करेंगे। आज ऑन फाइल निर्णय ले लिया है कि इसको भरा जाए, अब समय समय पर आपको जानकारी नहीं है, पर बहुत तेज गति से इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमें ये लोग जल्दी चाहिए। सर, ये जो आंकड़े आपने दिए हैं, ये नौकरी.com इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन निकाल रही हैं,
सीआईआई फिक्की को छोड़ के वो सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सर जो गवर्नमेंट का अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो क्या कहता है कि कितने परसेंट? मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का लास्ट डेटा चेक भी कर लेंगे, मेरे ख्याल से 4.2 या 4.3% ही अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा था, उससे ज्यादा। तो हम इसको ऑथेंटिकेटेड मान सकते हैं कि naukri.com जो कह रहा है वो सही डेटा? मैंने एक आंकड़ा दिया है जो उनके सर्वे से आया और वो 2008 से सर्वे कर रहे हैं, अब उसका क्या आकलन लेना वो आप अपने आप तय कर सकते हैं। सर ये कहा जाता था कि जो सरकार आई तो उन्होंने कहा कि पहले ट्रेनें चलती थी नेताओं के कहने पे, हम ऐसा नहीं करेंगे और उतनी ट्रेनें नहीं चलाएंगे, तो क्या इस सरकार में कम ट्रेनें चली हैं पिछली सरकार से, एक चीज। दूसरी, कुल कितनी नई ट्रेनें चलाई गई हैं इस सरकार के दौरान? आंकड़े एमटी आपको दे सकते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये कभी भी नहीं कहा गया कि कम ट्रेनें चलेंगे। जहां सुविधा है, जहां ट्रेन का पाथ मिलता है और जहां डिमांड है, वहां समय समय पे नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। और मैं समझता हूं इस सरकार के दौरान बड़ी भारी मात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन शुरू की गई है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वास्तव में जो निवेश इस सरकार में हुआ लगभग 2.5 गुना हुआ पिछले 5 साल के निस्बत। लेकिन अगर पिछले 50 सालों में सरकारों ने इसी प्रकार से तेज गति से निवेश किया होता तो शायद आज इतनी तकलीफ नहीं होती रेल व्यवस्था को कि मात्र 30% रेल की व्यवस्थाएं बढ़ी है और 1600% फ्रेट और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा है। उसको रिलीज करने के लिए जो होलिस्टिक थिंकिंग चाहिए थी वो आज के पहले नहीं थी। तब राजनीतिक कारणों से किधर लाइन लगाना किधर नहीं लगाना तय होता था। इस सरकार ने सभी लाइनें बहुत सोच समझ के, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देख के, और जहां ज्यादा से ज्यादा आवश्यक है, चाहे फ्रेट के लिए हो चाहे पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए हो, उसको ज्यादा फोकस किया है बजाय के किसी प्रकार के दबाव में। साथ ही साथ एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी ये सरकार कर रही है कि आगे का क्या दृष्टिकोण रहेगा, रेलवे का क्या विजन रहेगा, आगे चलते 10 साल 15 साल 20 साल कैसे रेलवे का विस्तार होगा, जिससे वास्तव में जो इंजन ऑफ ग्रोथ है वो अब डबल इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएगा। सर गिरीश सर, अगर कोई डेटा दे सकते हैं? देखिए कुल कितना सर, इधर दिस साइड मधुरेंद्र सर, मेरा सवाल है कि 22 ट्रेन का तो जाहिर तौर पे तमाम देश के यात्रियों को लाभ होगा, जैसा कि आपने कहा भी, बड़ी बेसब्री से ट्रेन 18 का इंतजार भी चल रहा है, उसके इंतजार को कब खत्म करेंगे? मेरे ख्याल से तीन चार दिन में उसकी टेस्टिंग कंप्लीट होगी। सीसीआरएस ने कुछ कंडीशंस लगाई थी, वो कंडीशंस के तहत एक एक पे काम चल रहा है। ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जो भारत में डिजाइन हुई, भारत में पूर्णतः मैन्युफैक्चर हुई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। और फिर एक बार मैं मौका लूंगा, हमारे सभी रेलवे के कर्मचारियों के, अधिकारी हो कामगार हो, सबने जो संयुक्त प्रयास करके इसको सफल बनाया। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि इसमें हमने पूरी सावधानी भी बरकरार रखनी चाहिए। तेज गति से चलने वाली है ये ट्रेन, टेस्टिंग हमने 180 किलोमीटर तक लेके गए हैं। ये जो पूरा रूट है दिल्ली से बनारस, इसको अब हम रूट को भी अपग्रेड करेंगे, जिससे अब जो ये 8 घंटे में जाने वाली है इसको आगे चल के और कैसे कम किया जाए, तो उसका काम का भी क्या क्या करना है, वो मेंबर इंजीनियरिंग उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे पहलू हैं। और फिर अब मुझे माने, एक बार जब ये सीसीआरएस अप्रूवल हो जाए तब मेरी रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करें। और हमारा जो संकल्प है कि भारतीय रेल विश्व का सबसे अच्छा रेल बने और साथ ही साथ भारतीय रेल भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन ऑफ ग्रोथ बने, जो उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है, उसके लिए मेरी उनसे आग्रह है कि वो हमें प्रोत्साहित करें और इस ट्रेन का फ्लैगिंग ऑफ उनके हाथों से। सर दिल्ली के यार्ड में दो तेजस ट्रेनें भी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में या इम्पोर्टेंट ट्रेनों में कब तक लगा देंगे,
और एक चीज के साथ जुड़ा हुआ है कि ई दृष्टि आम लोगों के लिए, आम मुसाफिरों के लिए कब उपलब्ध होगा? कौन सा ई दृष्टि जो आपने बनाया, जो फिलहाल आप लोगों के पहुंच में है? डैशबोर्ड, डैशबोर्ड जी, डैशबोर्ड जो मेरे रूम में है। जी 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 जी, एक झलक तो अभी आके देख लेना। देख लिया, कर लिया, देख लिया सर। अच्छा भाई, वो भी इन्हीं के हाथ में जब आप नीचे ये रियल टाइम, मैं भी बड़ी उत्सुकता से बैठ गया। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जो ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, माननीय मंत्री का एक बहुत हमारे लिए एक प्रायोरिटी उन्होंने दिया है जब से मैंने ज्वाइन किया है, तो उसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं और मुझे खुशी है कि वो ट्रायल्स बहुत सक्सेसफुल है। पूरा जो आज के डेट में नॉर्मली जब कोई गाड़ी चलती है तो उसका कंट्रोल ऑफिस में टाइमिंग्स एंटर करते हैं, इस सिस्टम में ऑटोमेटिकली कंट्रोल ऑफिस में टाइमिंग्स एंटर हो जाएंगे। इसमें सर बाकी ट्रेनों को कब शामिल करेंगे? चलो भाई, विल कंक्लूड ना, बाद में कुछ होगा तो साथ से पूछ लेना सारे कर। अरे ये रिपोर्ट फाइल करने में भी आपको समय लगेगा। सर एक पॉलिटिकल सवाल भी अगर आप जवाब देना चाहें, सर एक पॉलिटिकल सवाल भी है अगर आप जवाब देना चाहें। प्रियंका गांधी पे सवाल, सर एक प्रियंका गांधी पे सवाल। गोयल साहब, प्रियंका गांधी पहली बार राजनीति में आई है ऑफिशियली? रेलवे के क्वेश्चन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो तो वी कैन नॉट चेंज। ये नया पूरा जो है इसमें 10% आरक्षित होगा, 22,000-23,000 के। तो पूरा ये पहला प्रयोग होगा जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन होगी। जी सर।